नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्या एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए या कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जिसका हर बीमारी में यूज़ नहीं करते हैं। तो वीडियो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो सब तक हर लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गांव में डॉक्टर्स बैठे हैं या जो प्रैक्टिस सीख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स खा के आता है और उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। मतलब जो छोटी सी बीमारी है उसके लिए हायर एंटीबायोटिक का डोज दे दिए हैं, मतलब एंटीबायोटिक का डोज सबसे ज़्यादा दे दिया है। तो उस कंडीशन में उस समय तो उसका पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन जब उस पेशेंट को दोबारा कोई और बीमारी होती है और उससे नीचे की एंटीबायोटिक्स कोई अच्छा डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो वो उस काम नहीं करती है। ऐसा बहुत सारा केसेस देखा गया है। उसमें होता क्या है कि जो नया डॉक्टर है, जो MBBS डॉक्टर हैं, जो अच्छे खासे रिपोर्टेड डॉक्टर हैं, क्योंकि वो उनका ये काम होता है कि आपको आपके प्रॉब्लम को देखना, उसको डायग्नोस कराना और उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट देना। लेकिन आप जैसे प्रॉब्लम हुई तो आप छोटे डॉक्टर्स के पास चले गए, वहाँ से क्या हुआ कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब सर्दी खांसी बुखार है, उस कंडीशन में हल्का सा जुखाम है, उस कंडीशन में उन्होंने आपको एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक दे दी, उस समय तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उस कंडीशन में उससे कम एंटीबायोटिक्स, मतलब उससे कम डोज की या उससे कम असरदार एंटीबायोटिक आपको दी गई, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक खाना बहुत अच्छी बात नहीं है, मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बहुत पेशेंट ऐसे हो, बहुत डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल से लेके ही, या मतलब पेशेंट ही मेडिकल से जाके कोई भी एंटीबायोटिक लेके खा लिए कि भाई एंटीबायोटिक खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक अगर आपको एंटीवायरल है तो एंटीबायोटिक खाने की क्या ज़रूरत है, आपको लूज मोशन हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक खाने की क्या ज़रूरत है, आपको नॉर्मल जुकाम सर्दी खांसी है तो उसमें एंटीबायोटिक खाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि एंटीबायोटिक, मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, एंटीबायोटिक दिया गया, उनको असर ही नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उनका अगर जब कल्चर मीडिया टेस्ट कराया गया तो देखा गया कि वो उनके बॉडी में एंटीबायोटिक, जितने भी बहुत सारे एंटीबायोटिक जो थे दिए गए थे, सब रेसिस्ट कर चुकी हैं, मतलब वो अब काम ही नहीं करेंगे। इसलिए बहुत एंटीबायोटिक हर जगह पर देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर जगह अगर आप एंटीबायोटिक दे के अपना काम कर लेंगे, पेशेंट की बॉडी अगर उस दवा से रेसिस्ट कर गई, तो फिर ऐसा होता है कि जब कभी उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई या कोई बड़ा इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में आप उसको कौन सी दवा चलाएंगे, वो सारी एंटीबायोटिक तो रेसिस्ट कर गई हैं, फिर आप क्या चलाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक्स सोच समझ कर दें, या फिर अगर जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर ज़रूरत है, टेस्ट सबसे पहले तो बिना टेस्ट करवाए पेशेंट को कोई दवा प्रिस्क्राइब ना करें। और मैं पेशेंट लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहता हूं कि बिना डॉक्टर्स को दिखाए हुए आप कोई दवा अपने से ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि गए मेडिकल पे, गए वहां पे, मैं जहां पे रहता हूं, मैं वहां की बात बता रहा हूं, एक दो मेडिकल ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग जैसे पेशेंट वहां पहुंचते हैं 10-20 रुपए की उनको दवा के पुड़िया दे देते हैं, उस पुड़िया को खा करके पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन क्या उस समय वो ठीक हो गया, बस यही है, उसके बाद उसके बॉडी के ऊपर उन दवाओं का क्या असर पड़ा है उससे उनको कोई मतलब नहीं, और ना ही वो पेशेंट को मतलब है। जब कभी बड़ी बीमारी होगी तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है ऐसा। इसलिए आपका शरीर सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, तो उस शरीर के लिए आपको अगर दो पैसे खर्च करने हैं, डॉक्टर्स के पास जाना है, उनसे एडवाइस लेना है, तो ज़रूर आपको छोटी सी छोटी भी प्रॉब्लम है तो ठीक ठाक डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। या डॉक्टर से भी गुजारिश है कि अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले उनका चेकअप कराइए, उनका सही से चेकअप कराइए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का आप सारे टेस्ट करा लीजिए, जिस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट कराइए और
उनको सही से दवा प्रोवाइड करवाइए। ये हमारा काम है, हमारे देश में, हमारे शहर में और हमारे लोगों के लिए ये आपको करना ही होगा। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।